मैं हमेशा दौड़ कर ही ब्लॉग बनाती हूँ। मैं एकदम से मेरे पापा जैसे मोटर तो देखो ये दोनों है। यार ये देख सकते हैं आप भाभी के साथ और इंडिया के एक धसके से मैं नीचे चले जाऊंगी। धूप लग रही है उसको। भाभी की बड़ी फैन है, उनकी मम्मी आ नीमट की फूटती है तो हमेशा यहाँ पे बारिश होती है। मैं हमेशा दौड़ कर ही ब्लॉग बनाती हूँ तो आज बहुत महीने बाद, एटलीस्ट एक महीने बाद आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ और हम मिले जा रहे हैं। बाकी बातें मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिलहाल मैं, दिया, तन्नू और उसके पापा हम लोग जा रहे हैं मेले कौसानी के। कृष्ण जन्माष्टमी का है, वैसे तो कल हो चुकी है जन्माष्टमी, बट आज होता है ना मेला, डोला उठता है तो वही जा रहे हैं। बाकी बात मैं बाद में बताती हूँ। मैं इन बच्चों के साथ पहुंच चुकी हूँ, बच्चे नहीं है। मेरे को सासू माता डांटेगी। हाँ, वैसे हमारे प्लान था कि बबली भाभी के साथ और उनके सासू माता के साथ आने का, बट आ नहीं पाई क्योंकि चाचा आ गए थे इसलिए। फिलहाल कुछ फंक्शन चल रहा है, जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो हमारे आगे फीकी है। हमारी उत्तराखंड की संस्कृति के आगे वो जो सौंदर्य प्रतियोगिता है। मेला शुरू हो चुका है, वैसे मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ क्योंकि यहाँ का माल थोड़ा वैसा रहता है ना, यूजलेस, तो बस जस्ट घूमने के लिए आया हूँ। फिलहाल हम ना मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि अभी फिलहाल ही किसी की डेथ हुई है ना, तो नहीं जा सकते। बस यही कपड़े कितनों ने पहन रखे हैं, इन दोनों ने जो कपड़े सेम कपड़े, आजकल ट्रेंड चल रहा है इन कपड़ों का, ये दोनों भी यही कपड़े पहन के आए हैं। किसके लिए? निशा भाभी के लिए लिया है हमने, ये उन्होंने मंगाया था। तन्नू हमें धोखा दे करके चली गई अपने दोस्तों के साथ, पता नहीं कहाँ। मेले में बस दो ही झूले लगे हैं, एक जंपिंग वाला और एक ये जिसमें इतने बड़े बड़े लड़के झूल रहे हैं। इस साल में चले जा, ये बहुत खतरनाक होता है। भाभी के फैंक पॉइंट वहाँ देखा ना तो, अरे यार वो ना एकदम से मेरे पापा जैसे लग रहे थे यार, सेम देखो साइड फेस में, सामने से तो नहीं लग रहे, साइड फेस से लग रहे थे। मतलब पापा कहाँ से आ गए यहाँ पे, क्योंकि पापा भी सेम यही चलाते हैं। देखो अभी देखना साइड होंगे यार, पापा ये देखो गाइस बोर हो रहा है, वो तो दिया मेरे साथ है जरा, नहीं तो तन्नू तो भागी गई। बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा है। ए भाभी लोग भी अभी आ रहे हैं। देखो दोबारा से उसी शॉप में आ गए भाभी के साथ। क्या चाहिए? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये भाभी को लेना है।
हम बस भटक रहे हैं फालतू में, बेचैन आदमी। तन्नु ने भी खैर धोखा दे दिया, खुशी आ रही है अभी, जान की चाची भी आ रही, फिर देखते हैं क्या होता है। इसको देखो ये इस झूले में जाने के लिए बोल रही है, पैर वाले झूलों में। ये पागल है भाई, सारे इतने बड़े बड़े भी लोग। ना भाई मैं नहीं आ रही। मोटर तो देखो ये दोनों है भाई साहब, और दिया फिर भी जा रही है यार, और बड़े बड़े झूल रहे हैं, बड़े बड़े। गाइस भाभी की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, देख सकते हैं आप। यार ये देख सकते हैं भाभी के साथ, फैन फॉलोइंग यही भी मिल रही है सारी। फैन फॉलोइंग सिस्टम भाभी की। लाल जो डोला है यहाँ का, वो भी आने लग गया, सब उसी का वेट कर रहे हैं। आप फिर इसको घुमाने के बाद होगी मटकी फोड़। मटकी को देखो यहाँ पे, इतनी मम्मी नहीं आई, पता नहीं आने वाली शायद। दो तीन घंटे हो गए होंगे गाइस, पागलों की तरह हम ही तीन हैं यहाँ पे। नीचे का नजारा देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये देखना। और इंडिया के एक धसके से मैं नीचे चले जाऊंगी, और जानकी चाची और खुशी अभी तक नहीं आई, और डोली भी आने वाली है। मटकी फोड़, मटकी लगी नहीं है, बट पता नहीं क्या मटकी फोड़ होगा। और हमेशा ऐसी होता है ना, मटकी फोड़ में बारिश आती है, यहाँ पर मौसम बन रहा है। तो गाइस बच्चे को भी रखना है, बस यही रहे। धूप लग रही उसको। इस भाभी फैन फॉलोइंग भाभी की फैन फॉलोइंग क्या रहे हैं वहाँ पे, we'll be right back.
थी ना मिस को, ये ना हमारा रिश्ता भी लगता है आपके साथ। अच्छा बारिश आने लगी, हम आप घर पर निकलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सारे लोग भागने लग गए अपने घर को। क्या भाई कब यहाँ को समोसा टपकता है अब ये लोग भाग रहे हैं, हम डांस करने जा रहे हैं। बारिश आ चुकी है और ये हर साल का है, ठंडी मटकी फूटती है तो हमेशा यहाँ पे बारिश होती है। फिलहाल हम दादी के लेने जा रहे हैं मिठाई। भैया ले लिए मिठाई, अब चलते हैं, दादी को यही पसंद है ना इसलिए। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं डांस करने के लिए। हम लोग सब बैठ गए क्यों अरे टूट गया तो टाइम से पाँच गाइस फिलहाल वी आर एट होम एट लॉ ब्रांच, 6 बजने वाले हैं, चलते हैं घर। मेला देख के आ रहे हो? हाँ जी।
अच्छा तुम नहीं गया? पैसे दे दे रहे हम, हमारे पास भी नहीं थे, फ्री में जाके आए हम। देखो सामान कहाँ है तो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं हम घर। घर तो मैं कब का ही पहुंच गई हूँ। मैं पहले फ्रेश हुई, कपड़े वगैरह चेंज करे, फिर कुत्ते को घुमाने के लिए लेके गई बाहर, और आकर के अभी मेरा भिंडी की सब्जी चढ़ चुकी है, रोटी फिलहाल मेरी बन रही है। वैसे अभी 7 ही बज रहे हैं और जल्दी से कर रही हूँ, और घर पे कोई नहीं है क्योंकि मुझे 1 महीना हो गया है वैसे यहाँ पर ना। तो क्या हुआ कि पापा की, मैंने बताया था ना नस की प्रॉब्लम बता रहे, तो अभी वो वहीं पे ही है 1 महीने से, दीदी के यहाँ है ना, तो वहीं से फिर अप डाउन कैसे करेंगे ना, बार बार उनको थोड़ा मसाज की ज़रूरत पड़ रही है, तो हफ्ते में 1 बार वो हॉस्पिटल दिखाने जा रहा है। तो जिस दिन मैं यहाँ आई थी उसके अगले दिन ही सासू माता भी यहाँ से चली गई थी पापा के साथ, क्योंकि हेल्प तो चाहिए होती है यार वाइफ की, तो इस वजह से पापा की हेल्प करने के लिए मम्मी गई है। और 1 महीने से हम यहाँ अकेले हैं और मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, नेटवर्क भी प्रॉब्लम है और फिर दिन भर काम भी करना पड़ता है, इस वजह से भी मैं नहीं बना पाई। और फिलहाल हम लोग मेले गए थे आज, और जैसे कि आपने देखा ही, और इतनी ज़्यादा मेरी दिमाग ख़राब हो गया। एटलीस्ट मैं यहाँ से 1 या 2 बजे निकल गई थी और 6 बजे आई, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं कंटिन्यू खड़े हूँ या फिर चली रही हूँ। उस वजह से मेरे पेट में भी और मेरे पीठ में भी इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने इसलिए जल्दी से सब्जी भी काट दी, रोटी भी बना रही हूँ मैं, आ करके मैंने एकदम से काम शुरू कर दिया था कि ताकि फिर बाद में मैं थोड़ा आराम कर सकूँ। काम करते हैं और आराम करते हैं फिर उसके बाद।